जो अपनी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं करना चाहता, कुछ बड़ा नहीं करना चाहता। हर इंसान चाहता है कि उसे वो तमाम सुविधाएं मिले, वो एक ऐसी जिंदगी जिए जो किसी ने आज तक जी नहीं हो। 17 से 22 साल की उम्र तक तो ये ख्वाब बहुत अच्छे लगते हैं, लगता है कि हम जिंदगी में वो सारे मुकाम हासिल कर लेंगे जो हमने सपने देखे हैं। लेकिन एक बार जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, हमें जिंदगी की असली सच्चाई समझ में आती है। हमें पता चलता है कि ये जिंदगी सोचने में कुछ और असलियत में कुछ और ही है। और फिर हम भी लग जाते हैं जिंदगी की जद्दोजहद में, उसी मेहनत में, उसी हार्डवर्क में जो सब लोग कर रहे हैं, और चलने लगते हैं एक भेड़ चाल। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस भेड़ चाल को हटकर इस जिंदगी की जंग को कैसे जीता जाए, कैसे वो तमाम मुकाम और सपने हासिल किए जाए जो हम अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। तो आइए आपको लेकर चलता हूं 5 ऑडियो की सीरीज की एक ऐसी यात्रा पर जहां आपको सफलता के गूढ़ मंत्र पता चलेंगे। यहां आपको पता चलेगा कि आप अपनी जिंदगी में सफल कैसे हो, और साथ ही साथ ये भी कि जिंदगी को कैसे कैसे खुशनुमा तरीके से जिया जाए। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस जिंदगी को खुशनुमा तरीके से जीने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप से पूछना होगा कि आप जिंदगी को एक मालिक बनकर बिताना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, या फिर एक नौकर बनकर। यहां मालिक और नौकर का बिल्कुल भी वो मतलब नहीं है जो आप सोच रहे हैं। यहां मालिक का अर्थ है कि आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें आपके अंडर में लोग काम करें, या फिर आप एक ऐसा इंसान बनना चाहते हैं कि आप किसी के अंडर में काम करें। इसका मतलब आप बिजनेस करना चाहते हैं, न्यू स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, किसी नई चीज में इनोवेशन करना चाहते हैं, या फिर आपके पास कोई ऐसी स्किल्स हैं जिससे आप दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर सकें, या फिर आप नौकरी करना चाहते हैं, आप IAS बनना चाहते हैं, आप IPS बनना चाहते हैं, बैंक में जाना चाहते हैं, SSC में जाना चाहते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको अपने आप से यही पूछना होगा कि आप किस चीज में बेहतर है, आप किस चीज को बहुत अच्छे से कर सकते हो। और ये प्रश्न पूछने से पहले अपने आप को इस बात का विश्वास दिलाना होगा कि दुनिया में कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं होता है। जो काम आपको पसंद है वो अच्छा है, लेकिन जो काम आपको पसंद नहीं है वो बुरा नहीं है, वो किसी और के लिए अच्छा है। तो सबसे पहले आपको यहां पर अपनी पसंद का काम ढूंढना है कि आप अपनी जिंदगी में कैसे जीना चाहते हैं। इस प्रश्न को अपने आप से पूछते समय एक और बात का ध्यान देना होगा, जिंदगी में जितनी ज्यादा ताकत आती है उतनी ही बड़ी जवाबदारियां भी साथ में लेकर आती है। तो अपने आप से पूछिए, क्या आप उन जवाबदारियों के लिए तैयार होंगे? कि आप जितना बड़ा बनेंगे उतना आपके पास अपने लिए समय कम होगा, उतना ज्यादा आपको लोगों के लिए काम करना होगा, और उतना ही कम समय आप अपने लिए निकाल पाएंगे। जिंदगी में मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को समय नहीं दे पा रहे। उनके पास उस पैसे को खर्च करने का, अपने परिवार के साथ समय बिताने का और घूमने का भी वक्त नहीं रह जाता है। तो आज आप उम्र के जिस भी पड़ाव पर है वहां से अपने लिए एक लक्ष्य बनाइए और सोचिए, अपने आप से पूछिए कि आप किस प्रकार की जिंदगी जीना चाहते हैं। कई लोगों का अक्सर मुझसे प्रश्न होता है कि मुझे अपनी जिंदगी का लक्ष्य समझ नहीं आ रहा, मैं अपनी जिंदगी में क्या करूं। जब भी आपको अपनी जिंदगी का लक्ष्य समझ में नहीं आए कि आपको क्या करना है, क्या बनना है, अपनी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, तो आप सबसे पहले जाइए अपने पास्ट में, जी हाँ अपने भूतकाल में जाइए, थोड़ा सा पीछे और देखिए बचपन से लेके आज तक एक ऐसा काम जो आपको बहुत पसंद था, कोई रोकता था उसके बाद भी आप उस काम को करते थे, चाहे भूख लगे, चाहे प्यास लगे, चाहे आपको कोई मुसीबत ही क्यों ना आ जाए, उसके बाद भी आप उस काम को जरूर करते थे। थोड़ा दिमाग पर जोर लगाइए, सोचिए कि वो कौन सा काम था जिसको करने में आपको बहुत मजा आता था। यदि आपको वो काम मिल गया है तो अब मेरे इन 4 प्रश्नों के साथ उसके जवाब हां में होना चाहिए। यदि जवाब हां है तो बिल्कुल वही आपका लक्ष्य है, वही आपकी जिंदगी है। पहला प्रश्न, आप अपने आप से पूछिए कि यदि जो काम आपको पसंद है उस काम को करने के लिए कोई इंसान आपको एक रुपया भी नहीं दे तो भी क्या आप उस काम को करेंगे? यदि हां तो आपका लक्ष्य सही है। दूसरा प्रश्न, अपने आप से पूछिए कि जो काम आपको पसंद आया है उस काम को करने में आपकी स्किल्स मजबूत हो रहे हैं नहीं, आप खुद डेवलप हो रहे हैं या नहीं? यदि हां तो यही है आपका लक्ष्य। तीसरा प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काम आपको पसंद आया है उस काम को करने से समाज का भला होगा या नहीं होगा? अपने आप से पूछिए कि समाज को कोई प्रॉफिट होगा आपके काम से या नहीं होगा? यदि जवाब है हां तो आगे बढ़ते हैं, यही है आपका लक्ष्य। और अब आता है चौथा और आखिरी प्रश्न जो आप सब अपने आप से सबसे पहले पूछते हैं,
जबकि उस प्रश्न को आपको पूछना चाहिए 14 नंबर पर। जो काम आपको पसंद आया है पूछिए अपने आप से कि क्या आप समाज में उस काम को लेकर जाएंगे तो उससे कोई कमाई होगी या नहीं होगी। यदि कमाई होगी तो बिल्कुल अब आपका लक्ष्य तय हो चुका है। तो यदि इन चारों प्रश्नों के उत्तर हाँ आए हैं तो यही है आपका लक्ष्य और आप इस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ सकते हैं और मेरा विश्वास है कि इस लक्ष्य के साथ आप पूरी दुनिया में नाम कमा पाएंगे। दूसरे एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि इस बनाए हुए लक्ष्य को हम प्राप्त कैसे करें। पहले एपिसोड में आपने जाना कि किस प्रकार हम अपना लक्ष्य बनाएं। ऐसे कौन से चार प्रश्न हैं जो हमें लक्ष्य बनाने से पहले अपने आप से पूछना होगा और यदि उन चार प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं तो वही हमारा लक्ष्य है। आज हम जानेंगे कि क्या सिर्फ लक्ष्य बनाने से काम चल जाएगा, क्या हमारा एम यदि हमें पता है तो उससे हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, या फिर सफलता पाने के लिए सिर्फ लक्ष्य बनाने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए हमें कुछ और प्रयास भी करने होंगे। तो आइए मिलकर शुरुआत करते हैं। लक्ष्य तय हो जाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस पर एक्शन लेना। कई लोग होते हैं जो सोच तो बहुत लेते हैं, बड़ा बड़ा सोच लेते हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग कर लेते हैं, बहुत अच्छे सपने संजो लेते हैं, लेकिन उस पर एक्शन लेने में बहुत देर लगा देते हैं। और यदि सही समय पर आपने एक्शन नहीं लिया, तो वही काम आप कुछ दिनों में पाएंगे कि कोई और इंसान कर चुका है। तो जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखिए, समय से बलवान कोई भी नहीं। आपको अपने आप को तैयार करना होगा उस एक्शन के लिए और इसीलिए मैं कहता हूं स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट वर्किंग। जी हां, सोचना बंद कीजिए और काम करना शुरू कीजिए। सोचना बंद कीजिए से मेरा मतलब है कि जो फालतू के विचार आपके दिमाग में है, दिन भर बस आप ये सोचते रहते हो कि अब कर लूंगा, अब कर लूंगा, अब कर लूंगा, और वो एक्शन इस सोचने के चक्कर में कभी हो ही नहीं पाता है। लेकिन एक्शन कैसे लिया जाए, कितना बैलेंस हो और उसमें कितना रिस्क हो, इस बात की जानकारी भी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपने अंदर जानिए इन चार खूबियों के बारे में। इन चार खूबियों में से आपके अंदर कौन सी ऐसी खूबी है जो बेस्ट है, उस पर ध्यान दीजिए। बहुत बड़े रिसर्च के बाद यह पाया गया कि इंसान का बिहेवियर चार प्रकार का होता है, या तो वो एक्शन ओरिएंटेड होगा, या फिर प्रोसेस ओरिएंटेड, या फिर पीपल ओरिएंटेड, या फिर आइडिया ओरिएंटेड हो सकता है। अब इन चारों में से आप कौन से हैं, सबसे पहले उसे जानिए। तो आइए एक एक कर उन सभी चारों को देखते हैं। इंसान की पहली प्रवृत्ति हो सकती है कि वो एक्शन ओरिएंटेड हो सकता है। वो हमेशा व्हाट पर ध्यान देगा, क्या शब्द पर ध्यान देगा और उस पर एक्शन लेने की कोशिश करेगा। उसको रिजल्ट से मतलब होता है, उसके ऑब्जेक्टिव से मतलब होता है, उसको अचीवमेंट से मतलब होता है और डूइंग से मतलब होता है। तो क्या आप इस प्रकार की प्रवृत्ति के हैं, सोच कर देखिए। दूसरे प्रकार का इंसान होता है प्रोसेस ओरिएंटेड, जो हमेशा हाउ मतलब कैसे पर ध्यान देता है। वो स्ट्रेटजीज बनाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन पर ध्यान देता है, वो फैक्ट्स पर ध्यान देता है कि फैक्ट्स क्या है और उन पर कैसे हाउ कैसे अमल करेंगे, उन बातों पर ध्यान देता है। सोचिए क्या प्रोसेस ओरिएंटेड है। तीसरे प्रकार का इंसान होता है पीपल ओरिएंटेड, हु पर ध्यान देता है, मतलब कौन है। उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, उसके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होते हैं, उसका टीम वर्क बहुत अच्छा होता है। तो आप इस बात को समझिए, क्या आपको लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद है, क्या आप पीपल ओरिएंटेड है। और चौथा होता है आइडिया ओरिएंटेड पीपल। जी हां, वो हमेशा पूछते हैं वाई, वो कंसेप्ट पर ध्यान देते हैं, वो थ्योरी पर ध्यान देते हैं, वो इनोवेशन पर ध्यान देते हैं। अब इन चारों प्रकार के इंसान में से आप कौन से इंसान हैं, आपको इस बात पर ध्यान लगाना होगा। सोचिए कि आप एक्शन ओरिएंटेड है, प्रोसेस ओरिएंटेड है, पीपल ओरिएंटेड है, या फिर आइडिया ओरिएंटेड है। क्योंकि इन चारों में से आप जो हैं उसी प्रकार का काम आप बेहतर तरीके से बेहतर ढंग से कर पाएंगे। और इंसान यही गलती कर जाता है, यदि वो एक्शन ओरिएंटेड है तो उसको उस प्रकार का काम करना चाहिए, और यदि वो प्रोसेस ओरिएंटेड या पीपल या आइडिया में चला गया तो वो सही काम नहीं कर पाएगा, और यही गलती अक्सर इंसान करते हैं। लेकिन अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि आपको जिंदगी में सबसे ऊपर जाना है, सबसे आगे जाना है, तो ये चारों खूबियां आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आप एक लीडर बनना चाहते हैं। क्योंकि आपको एक्शन भी लेना होगा, आपको प्रोसेस भी बनानी होगी, आपको लोगों के साथ मिलकर काम भी करना होगा, और आपके आइडियाज भी बहुत तगड़े और बहुत अच्छे होना चाहिए। अब एक आम इंसान के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब भी वो एक्शन लेगा तो वो गिरेगा, लेकिन गिरने को वो असफलता मानता है। वो सोचता है कि हमें असफल हो गया, हमें उठ नहीं पाऊंगा, हमें आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, इसके बाद जिंदगी खत्म हो गई है। लेकिन बस इस नियम को जो समझ गया वो अपनी जिंदगी में सबसे आगे जाएगा, बहुत आगे बढ़ेगा,
कि जब भी आप असफल होते हो आपकी जिंदगी खत्म नहीं होती है, वो असफलता अपने साथ एक नई सीख लेकर आती है कि आपने पिछले वाले काम में क्या गलती की है, उसे सुधारिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। और जितने भी महान लोग हैं इस पृथ्वी पर, उन्होंने यही किया, अपना लक्ष्य बनाया और उस पर एक्शन लिया। उसके बाद वो कई बार गिरे लेकिन कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। जितनी बार भी हारे वो उठ खड़े हुए और अपने आप से कहा कि मैं इस काम को कर लूंगा क्योंकि मैंने अपनी पिछली गलतियों से सीख ली है। तो अब आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? आप भी अपने लक्ष्य पर लग जाइए, एक्शन लीजिए और गिरिए। गिरना बुरा नहीं है, बुरा है गिरकर पड़े रहना। लेकिन सफल लोग कभी गिरकर पड़े नहीं रहते, वो अपने आप को कहते हैं कि उठ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़, और इसी कारण वो अपने मुकाम को हासिल कर पाते हैं। तीसरे एपिसोड में हम जानेंगे कि एक्शन के बाद हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। पहले एपिसोड में आपने जाना कि किस प्रकार से हम अपना लक्ष्य तैयार कर सकते हैं, और दूसरे एपिसोड में आपने सुना कि किस प्रकार बिना एक्शन के उस लक्ष्य को पूरा कर पाना असंभव है। इसका मतलब हमें उस पर एक्शन लेना होगा। आइए जानते हैं अब आगे आपको क्या करना होगा जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो। ड्रीम तय हो जाने के बाद कई लोग एक्शन भी ले लेते हैं लेकिन उसके बाद भी असफल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बीच बीच में बहुत सारी रुकावटें आती हैं जिन रुकावटों का वो सामना नहीं कर पाते, उन चीजों के लिए वो तैयार नहीं होते और इसीलिए वो असफल हो जाते हैं। आपको इन्हीं सारी बातों का ध्यान रखना होगा। आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं ऐसे 5 डर के बारे में जो आपकी जिंदगी में कभी भी नहीं होना चाहिए। उन 5 में से यदि कोई भी डर आपके अंदर है तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। आप इन 5 डरों के बारे में ध्यान से सुनिएगा और अपने आप को एकांत में बैठाकर पूछिएगा कि इन 5 में से कौन कौन से डर आपके अंदर है, क्योंकि उन्हें आपको निकाल फेंकना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको अपने आप से सच्चा बनना होगा। आपको ये नहीं कहना है कि डर मेरे अंदर है या नहीं है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आप अपने आप को अच्छी तरीके से पहचानते हैं कि ये डर आपके अंदर है या नहीं है। यदि है तो उन्हें मानिए और उन्हें हटाइए, और यदि नहीं है तो खुश हो जाइए। पहला डर है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, जी हाँ, आलोचना का डर। कई लोगों को मैंने देखा है, उनके मुंह से सुना है, कई बार वो मुझसे पूछते हैं कि लोग उनके बारे में ऐसा कहते हैं, उनका परिवार उनके बारे में ये सोचता है, मैं क्या करूं, और यहीं पर उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। वो अपनी जिंदगी में कोई रिस्क नहीं लेते, कोई बड़ा काम नहीं करते, कुछ अलग हटके नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें लोगों की आलोचनाओं का फर्क पड़ता है। और यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। पहला डर फियर ऑफ क्रिटिसिज्म अपनी जिंदगी में कभी नहीं होना चाहिए। अरे लोग क्या कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए कि आप इस काम में निपुण हो और आप इसे दुनिया को करके दिखा सकते हो। यदि आपका अपने ऊपर भरोसा है तो लोगों से डरने की, उन आलोचनाओं से डरने की कोई जरूरत नहीं। आप बेझिझक होकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। दूसरा फियर है फियर ऑफ इल हेल्थ, जी हाँ, कमजोर शरीर का होना भी एक बड़ा डर पाया गया है कि मैं तो छोटा हूं, मैं तो नाटा हूं, मैं तो लंबा हूं, मैं तो दुबला हूं, मैं तो मोटा हूं। इस प्रकार की कई सारी बातें आपने कई लोगों के मुंह से सुनी होगी, जी हाँ, और इसी डर के कारण वो अपनी जिंदगी में कुछ डिसीजन नहीं ले पाते। वो सोचते हैं कि मेरी हेल्थ कहीं ना कहीं उस बीच में आ रही है और इसलिए वो सोचते हैं कि वो इस काम को नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको कभी भी फियर ऑफ इल हेल्थ नहीं होना चाहिए। तीसरा एक बहुत ही बड़ा डर है जो कॉमन है और बहुत सारे लोगों में पाया जाता है, फियर ऑफ पॉवर्टी, गरीब होने का डर। कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि मैं तो गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं, मेरे पास तो सुविधाएं नहीं है। और यही बोल बोलकर वो अपनी पूरी जिंदगी को नर्क की तरह गुजार देते हैं। वो कभी भी अपने अंदर आगे बढ़ने का भाव लेकर आ ही नहीं पाते। वो कभी भी जहां पर है उसे आगे उठकर सोचने की हिम्मत ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि गरीबी एक अभिशाप है और इसे बाहर नहीं निकला जा सकता, जबकि असल जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप गरीब है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कई अमीरों को आपने गरीब बनते हुए देखा होगा और जो गरीब है उन्हें ऊपर तक जाते हुए देखा होगा। चौथा डर है फियर ऑफ डेथ, जी हाँ, मरने का डर। कई लोगों को यह डर बहुत ज्यादा सताता है कि यदि मैंने ये काम किया तो कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए, कहीं मैं मर ना जाऊं, और इसी डर के चलते वो कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जो रिस्की होता है,
जो उन्हें उनकी जिंदगी में आगे बढ़ा सकता है। जबकि यदि मैं आपको याद दिलाऊं तो इस पृथ्वी का एकमात्र सच है, एकमात्र सच और बाकी सब झूठ है, और वो सच है मृत्यु। आज नहीं तो कल वो आना निश्चित है, तो फिर उसे क्यों डरे, अपनी जिंदगी में क्यों ना रिस्क लें और आगे बढ़े। और पांचवा और अंतिम डर है लॉस ऑफ लव ऑफ समवन, जी हाँ किसी के खो जाने का डर, जो कि आज की युवा पीढ़ी को बहुत ही ज्यादा परेशान करता है और उसके लिए आज की युवा पीढ़ी अपनी जान तक देने को तैयार हो जाती है। लॉस ऑफ लव ऑफ समवन, किसी के खो जाने का डर। जाने अनजाने में हम एक ऐसा रिश्ता कायम कर लेते हैं जो हमें लगता है कि जिंदगी भर चलेगा, लेकिन जब वो टूटता है तो हमारा दिल टूटता है, और उसके बाद क्या होता है आप सभी जानते हैं। और मैंने कई लोगों से सुना है, शायद आपने भी सुना होगा, कि यदि वो मेरी जिंदगी में नहीं है तो मैं कुछ नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता और मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर लूंगा या कर लूंगी। सोच कर देखिए, ये जिंदगी सिर्फ एक बार नहीं, उस परमेश्वर उस परम पिता ने हमें ये जिंदगी दी है इसे बेहतर ढंग से जीने के लिए, ना कि इन फालतू की चीजों में पढ़कर उस जिंदगी को खत्म करने के लिए। यदि आपके अंदर इन पांच डरों में से कोई सा भी डर है तो आज अभी इसी वक्त उसे खत्म करने के लिए फैसला ले लो, नहीं तो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही कठिनाइयां आएंगी और फिर आप सोचते रहेंगे कि मैं अपनी जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको जिंदगी में विफल बनाएगी और उनसे आपको हमेशा दूर रहना है। पिछले 3 एपिसोड में आपने जाना कि आप अपना लक्ष्य कैसे बनाएं, उस पर एक्शन कैसे लें, और ऐसे कौन से 5 डर हैं जिनको आपको कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं आने देना। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक इंसान को किन किन चीजों से हमेशा दूर रहना चाहिए, कभी भी उन चीजों को अपनी लाइफ में नहीं आने देना चाहिए। यदि आप सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं तो इस बात को आपको बहुत महत्व देना होगा और ध्यान रखना होगा कि आपके अंदर कभी भी किसी भी मौके पर घमंड की भावना ना आए, क्योंकि घमंडी इंसान ज्यादा समय तक सफल नहीं रह सकता है। इतिहास के पन्नों को अच्छे से उठाकर देख लीजिए, जिस इंसान ने अपनी सफलता पर घमंड किया है उसे अर्श से फर्श तक आने में देर नहीं लगी, और इस बात का आपको अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपके अंदर ईर्ष्या जलन का ख्याल भूल कर भी ना आए, क्योंकि ईर्ष्या करने वाला इंसान, जलन करने वाला इंसान कभी भी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। जलन करने से इंसान को सीखता नहीं है, वो सिर्फ खोता है। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखिए और काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और दूसरों का सहयोग कीजिए, उन्हें सिखाइए, उन्हें भी आगे बढ़ाइए। यदि आपको अपनी ताकत पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा है तो कभी भी जलन मत कीजिए, मदद कीजिए दूसरों की उन्हें आगे बढ़ाने में, और वही लोग मिलकर आपकी सफलता का रास्ता तैयार करेंगे। जिंदगी में मैंने कई लोगों को सिगरेट, तंबाकू और शराब के कारण बर्बाद होते हुए देखा। जिंदगी में सब कुछ करना लेकिन किसी चीज को अपनी आदत मत बनने देना, क्योंकि आदत होती है मकड़ी के जाले के समान, यदि कोई चीज उसमें एक बार फंस जाती है तो उसका निकलना नामुमकिन हो जाता है और वो वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। इसलिए याद रखिएगा कि अपनी जिंदगी में कभी भी इन गलत चीजों की आदत नहीं लगने देंगे। अब कई लोगों को आदत होती है झूठ बोलने की, छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात, वो झूठ बोलते हैं। उन्हें लगता है कि उनका झूठ कोई नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि झूठ कितना ही बड़ा हो या कितना ही छोटा हो कभी भी छुपाया नहीं जा सकता। हमेशा सच बोलिए, क्योंकि बचपन से आपको भी यही बात सिखाई जा रही होगी कि झूठ के लिए आपको 100 बातें सोच कर रखना पड़ता है और सच के लिए आप निडर होकर आगे बढ़ते हैं। तो यदि आपके अंदर भी आदत है तो अभी इसी वक्त प्रण लीजिए कि आज के बाद आप कभी भी किसी भी छोटी चीज या बड़ी चीज पर झूठ नहीं बोलेंगे। कई लोगों की आदत होती है चुगली करने की, यहाँ की बातें वहां और वहां की बातें यहाँ करने की। ये एक बहुत ही विचित्र प्रजाति है जो कभी भी जिंदगी में किसी की भी नहीं हो सकती। यदि ये आपके साथ है तो आपकी बड़ाई और उनकी बुराई करेंगे, लेकिन यदि ये उनके साथ है तो उनकी बड़ाई और आपकी बुराई करेंगे। लेकिन ऐसे लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं होता है, इन्हें कोई नहीं पूछता है, क्योंकि सबको ये बात अच्छे से पता होती है। इसलिए कभी भी अपने आप को इस कैटेगरी में मत आने देना। इस प्रकार की और भी जितनी भी कमजोरियां या बुराई आपको लगता है कि आपके अंदर है, जो कि है और आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है, एक कागज लीजिए और उसमें लिखना शुरू कीजिए कि आपके जिंदगी में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि आप में बुराई है, उसे लिखिए और उसे आज से, अभी से, इसी वक्त से खत्म कीजिए। क्योंकि जितनी भी कमजोरियां या बुराई अभी मैंने आपको बताई है, ये दिखने में बहुत ही छोटी छोटी सी है, बहुत ही छोटी छोटी सी है, लेकिन ये इंसान की सफलता में बहुत ही बड़ी बाधक है,
छोटी जगह पर छोटे स्तर के लोगों के साथ रहकर आप इन चीजों को बना सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, अच्छे लोगों की संगत में आओगे, ये चीजें वहां पकड़ी जाएंगी और तब कोई भी व्यक्ति आपका वैल्यू नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति आपका सम्मान नहीं करेगा और तब वहां आप एक अकेले इंसान बनकर रह जाओगे। तो आज अभी इसी वक्त प्रण लीजिए कि यदि कोई भी बुराई आपके अंदर है, कोई भी कमजोरी या कमी आपके अंदर है, तो उसे खत्म करना है। और वो समय कल, सोमवार, 1 तारीख या जनवरी में नहीं आएगा, वो समय है अभी इसी वक्त। यदि आपने इन कमजोरियों पर फतह पा ली तो आपको बढ़ने की जरूरत है 5वें और अंतिम स्टेप पर। 5वें और अंतिम एपिसोड में हम जानेंगे सफलता का असली राज। पिछले 4 एपिसोड में आपने देखा कि कैसे अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, कैसे एक्शन ले, कैसे उन 5 डरों को हटाए और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें अपनी जिंदगी में नहीं करना है। अब इस आखिरी एपिसोड में देखते हैं सफलता का असली मंत्र। सफलता की असली कुंजी है स्वस्थ शरीर और ज्ञान के अंदर। यदि आपके पास ये दोनों हैं तो आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी इन बातों को ध्यान से समझिएगा और अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। जिंदगी में हमेशा याद रखना, जब भी आपको आगे बढ़ना है तो आपको एक स्वस्थ शरीर चाहिए ताकि आप उसे काम करवा सकें, और वो काम होगा अनलिमिटेड, घंटों, महीनों, सालों, जब तक आप अपने लक्ष्य को पा नहीं सकते। और यदि इतने समय हमें लगातार काम करना है तो हमारे पास स्वस्थ शरीर का होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आप अपने आप से वादा कीजिए कि दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से 1 घंटा जब भी आपका मन करे आप अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य के लिए जरूर निकालेंगे। इसके लिए आपको जिम जाने की, खर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप घर पर रहकर भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कर सकते हैं जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आप घर के छत पर जाकर या फिर किसी पार्क में जाकर योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, रनिंग, जो आपका दिल करे वो कर सकते हैं। ये सभी की सभी चीजें आपके शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाएंगी। दिन भर में आप क्या खा रहे हैं, अपने शरीर को क्या दे रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा रिश्ता निभाएगा आपके स्वस्थ शरीर से। इसलिए आप अपने भोजन का ध्यान दीजिए कि आप क्या खा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं और पानी कितना पी रहे हैं। ये चीजें सुनने में बड़ी सरल और आसान लग रही है, लेकिन सोच कर देखिए क्या आपने अपनी जिंदगी में एक रूटीन फॉलो किया है सुबह से लेकर शाम तक। क्या आप सोचते हैं खाने से पहले कि आपको ये चीज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, या जो भी चीज आप खा रहे हैं उसकी मात्रा क्या होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा देश हेल्थ एजुकेशन पे कभी ध्यान ही नहीं देता। तो यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो डेली 1 घंटा योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, रनिंग, जो भी चीज आप करना चाहें उसे दें, और उसके बाद अपने दिन भर के भोजन और पानी का ख्याल रखें। शरीर के स्वस्थ हो जाने के बाद आपको अपने आप को निपुण करना है ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान ही वो चाबी है जो आपके इस शरीर को आगे बढ़ाएगी, उसे काम करवाएगी और आपको जिंदगी में सफल बनाएगी। 24 घंटे में से 1 घंटा आपने दिया है शरीर को, तो इसलिए 1 घंटा देंगे अब ज्ञान को। 24 घंटे में से 1 घंटा निकालिए अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। जिस भी फील्ड में आपकी रुचि है, जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का अध्ययन कीजिए। जानिए कि पहले उस क्षेत्र में क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है, और भविष्य जो कि आप बनाएंगे तो वो क्या करेंगे। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप जीवनियां पढ़ना शुरू कीजिए। जितने भी महान लोग हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या किया, ये सब कुछ किताबों में छुपा हुआ है। वो ज्ञान है जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ाएगा। उन लोगों से सीखिए कि उन्होंने किस तरीके से अपनी जिंदगी में सभी संघर्षों को झेलते हुए आगे बढ़े। हमेशा याद रखिए, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। दिन भर में 1 घंटा रोज निकालिए और कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपका दिमाग बहुत सारे नॉलेज से भर गया है। और जब आपके अंदर ज्ञान आ ही गया है तो आपको फिर से मैं इस चक्र के पहले एपिसोड पर लेकर जाऊंगा। जाइए और लक्ष्य बनाइए, एक्शन लीजिए, 5 चीजों से कभी मत डरिए और अपनी जिंदगी में उन चीजों को जो मैंने बताया है उन्हें कभी मत आने दीजिए। भरोसा रखिए अपने आप पर, सफलता आपके कदम चूमेगी। साइनिंग ऑफ MD मोटिवेशन।